नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारी पूरी सोसाइटी में जय श्री राम हो रहा है। हर तरफ मतलब श्री राम जी के झंडे लगे हुए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इधर से के झंडे लगे हैं सब जगह जय श्री राम के, है ना? जय श्री राम। स्टॉल लगे हैं तो पिज्जा के, ये पिज्जा का है, ये कपड़ों की दुकान है, कुर्ती वगैरह, ये पर्स है। और इसके साथ स्टेडियम कितने का है? स्टेडियम के साथ ही कितने का है? क्या आप तो मैं ओ, ये क्या चीज़? वो भी है, मैजिक बुक जो होती है पानी। हाँ है। कितने की है? 55 की। तो लेंगे ना? दिखाना मुझे। दो चीज़ मैं 1,00,000 रुपये दे दूँगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है 21 तारीख का एक दिन पहले का वीडियो है। वैसे तो तैयारी काफी दिन से चल रही है। पूरी सोसाइटी में जो है श्री राम जी के झंडे लग गए हैं। हर तरफ जो है झंडे झंडे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा हो रहा है। और स्टॉल भी लगे हैं, मैंने आपको दिखाया है, खाने पीने के, कपड़ों के, सब चीजों के। और ये देखे, यहाँ पे जो है हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस है, इसमें जो है अखंड पाठ चल रहा है, रामायण अखंड पाठ। ये एक दिन पहले का है, मतलब कल जो है हवन पूजा होगी, प्रसाद वगैरह मिलेगा। और ये देखिए, श्री राम जी के साथ सब फोटो वगैरह ले रहे थे। तो बोलिए जय श्री राम। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए, सब लोग जो है फोटो और वीडियो बना रहे हैं श्री राम जी के साथ। ये देखिए, ये है हमारे मंदिर की डेकोरेशन। और ये तो दिन का नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी अंदर से मंदिर को धो रहे हैं, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था। अभी इस टाइम दोपहर का ये टाइम है। अभी जो है शाम को दिखाऊंगी मैं, शाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा रहता है। ये देखिए, हर तरफ झंडे लगाए जा रहे हैं, तैयारी अभी चल ही रही है। तो ये देखिए, सोसाइटी का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम मस्त। तो यहाँ पे मैं रात में आके दिखाऊंगी आपको सोसाइटी में रात का नज़ारा कैसा होता है। चार चाहिए है तो इसमें अलग अलग हो गए ना? एक ही तरह के अलग अलग, अलग अलग है तो चार निकाल दो, अलग अलग तरह के चार निकाल दो। चार हो गई ना, ये रख लो यहाँ का। अच्छा, ये तुम्हारी है? ठीक है। ये आ गए, लो यही लेके आ गए। एक ले लो, कोई भी ले लो, सब अलग अलग है सब। वाली कौन सी है? दो इसको दे दो, रिया को। ना तेरे को डायनासोर पसंद है? हाँ। मेरे को स्पेस वाली दे।
दो दे दो इसको दो। अब इनकी छांट होगी। सब अच्छी है, कोई भी ले लो। चलो किसने दी टॉफी? ठीक है तो चलो हो गया। तुम्हारा अच्छी लगी बुक? हाँ बहुत अच्छी लगी। मेरे को एबीसीडी वाली दे दी, खुद अच्छी अच्छी ले ली। मेरे सब ऐसी थी उनके पास। चलो अब चला के देखना, अब देखना कैसे चलेगी, कैसे यूज करना है ना। इसको निकाल, पानी भरना है इसमें तो। हाँ रिया क्या क्या होता है इसमें पता है तुम्हें? हाँ पता। देखो इसमें ना जो ये पेन है ना, इसमें पानी भरा जाता है। पानी पानी भरने के बाद, हाँ जैसे ड्राइंग करते हैं ना, तो जैसे कलर करते हैं तो ऐसे भरना होता है, तो वो पिक्चर सामने आ जाएगी। ये अभी इनविजिबल है, फिर विजिबल हो जाएगी इसमें से पिक्चर। और जैसे पानी सूखेगा दोबारा से फिर और जैसे पानी सूख जाएगा फिर पानी सूखने के बाद फिर इनविजिबल हो जाएगी, है ना। और जैसे पानी का पेन चलाएंगे फिर विजिबल हो जाएगा। इसमें क्या है? ऑरेंज भी है, चीकू और ऑरेंज। चीकू आया, आ गया हर तरह फेवरेट। रिया पहले दादाजी और खाना जी को खिला दे चीकू और ऑरेंज। पानी भर लिया इसमें? हाँ। अच्छा ऐसे यहाँ पर दिख भी रहा है, तो सही से करो तो पहले पानी में पिक्चर दिखने लग जाएगी सारी। हाँ। और जैसे पानी सूखता जाएगा दोबारा से फिर ऐसे छुप जाएगी, यानी कि फटाफट करनी पड़ेगी इसे गीला गीला, तो फिर से छुप जाएगी, फिर दोबारा से फिर करना पड़ेगा। रुको बेटा रुको रुको। हो गया पूरा। हाँ खुश, अच्छी लगी बुक? हाँ बहुत अच्छी थी। ये लगे पड़े हैं। अरे पानी ऐसे नहीं करते, इसके अंदर डालना होता है, जैसे स्याही नहीं डालते इसके अंदर। हाँ। देखिए ये तो ऐसे डुबा डुबा के कर रहा है। डुबा डुबा कर रही, देखो ऐसे। अरे ओपन करो इसको, रिया बताएगी। रिया देखो ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे ओपन करके पानी कहाँ से डालेंगे? ऐसे। हाँ देखो ये रहा, ऐसे ऐसे। अब आ गया हर्ष को भी, हर्ष का डाल के दे दो। ठीक है लो, ध्यान से गिर जाएगा। अरे यार वही अंदर किचन में ही डाल लो बेटा, सोफा खराब। खत्म, कोई बात नहीं, बंद करो। अब इसमें तो ए बी सी डी है। हम वो डायनासोर वाली डायनासोर। और मम्मी अगर गीला हाथ करके भी डालते हैं ना तब भी हो जाता है। अच्छा, बस ये पानी से विजिबल हो जाता है और वैसे छुप जाता है, जैसे पानी सोख जाएगा फिर से छुप जाएगा, ये फिर से कलर कर सकते हैं। मैं तो इसके ऊपर लिख भी पा रही हूँ। चलो खुश हो ना, ठीक है? बहुत खुश। माय नेम इज जी। तो फ्रेंड्स ये था श्याम का टाइम। मैं आई थी मंदिर में और श्याम के टाइम जो है अंधेरा हो चुका था, लाइट वाइट सब जल गई थी। श्याम के टाइम इतना ज्यादा सुंदर सोसाइटी का हमारे का व्यू लग रहा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर लग रहा था। लाइट वाइट जलने के बाद बहुत ही प्यारा मस्त व्यू आ रहा था। तो दुल्हन की तरह सज गई है हमारी सोसाइटी का मंदिर भी, और हमारी सोसाइटी भी जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। आप सबको भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो ये देखिए मैं मंदिर में आई थी, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ मंदिर के। तो ये देखिए सारी जो है डेकोरेशन हो चुकी है, फूलों की माला वगैरह भगवान जी को भी पहना रखी है और मंदिर में भी जो है डेकोरेशन कर रखी है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था हमारा मंदिर और बाहर से तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। लाइट वाइट चल गई है, दिन में तो मैं आई थी उस टाइम अंदर की धुलाई चल रही थी तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो मैं आ गई थी शाम को आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग भी मंदिर के जो है दर्शन कर लीजिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी फ्रेंड्स।